हमारे साथ यूपी से सिंगर राहुल तिवारी जी हैं और रत्नेश भाई हैं जो मनीष कश्यप के टैटू बॉय के नाम से फेमस है। थोड़ा टैटू दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, ये मनीष कश्यप का टैटू जो है ये अपने हाथ पर गुदवा के अभी वायरल हो रहा है। और हमारे साथ राहुल भाई है जो यूपी से आए हैं मनीष कश्यप के समर्थन रैली में और बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, जो हाल ही में पूरा वायरल इनका गाना चल रहा है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले मनीष कश्यप का गाना सुनाए, उसके बाद बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा पहले आप गाना स्टार्ट कर दीजिए। जी मैं सुनाऊँगा, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं राहुल तिवारी फ्रॉम गोंडा यूपी से, मैं मनीष कश्यप जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने उनके लिए जो सॉन्ग लिखा सुनिए। आज मैं सुनाऊंगा बिहार की कहानी, जिसको सुन के आ जाएगा आंखों में पानी। एक समय था जब थी चरम पर चाटुकारिता, लोग तरस गए थे देखने को सच्ची पत्रकारिता। जितने भी थे खास लोग बन गए सवाम थे, मीडिया तो थी पर ज़्यादातर गुलाम थे। चारों तरफ लूट शोषण मचा हाहाकार था, दबंगों के हाथ में पूरा ये बिहार था। ऐसे में वो इंजीनियर बनके चैन से सोए रोए सभी बिहारी, ऐसा कैसे कर सकता वो उदित पुत्र त्रिपुरारी। नौकरी ही सब कुछ है स्लोगन को तोड़ के, वो आ गया समाज सेवा करने इंजीनियरिंग को छोड़ के। 2018 में सभी को निहारता, आ गया वो प्रश्नों से राम बाण मारता। किसी से भी डरे नहीं, किसी से वो झुके नहीं, प्रश्न सबसे पूछता वो सिंह सा दहाड़ता। उसके पूछने का ढंग दुनिया को भा गया, छोटे से वो गांव का विश्व में उछा गया। सभी भ्रष्टाचारी कर्मचारी बेचैन रहे, दहशत में सब रहे, वो आ गया। क्या बात है, इतना शानदार जो है इन्होंने आपको गाना सुनाया, एक रैप सुनाया, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। और भाई से टैटू बनाने का राज जानना चाहेंगे, आखिर में टैटू बनाने का राज क्या है? इसमें क्या राज है, मनीष भाई से हम लोग प्यार करते थे, उनको मानते हैं, जो देश के लिए, बिहार के लिए, बिहार की शिक्षाओं के लिए भ्रष्टाचार को उजागर किए हैं, उसके लिए सब लोग इंस्पायर, हम भी इंस्पायर थे, इसलिए उनका टैटू लगा, उनसे प्यार है, मोहब्बत है। जी लोग भगवान का टैटू बनाते हैं, माता पिता का टैटू बनाते हैं, आप मनीष कश्यप का टैटू? माता पिता के साथ तो हम लोग हमेशा रहते हैं जी, माता पिता के साथ हम लोग हमेशा हैं, तो उसका टैटू बनाने कोई, और एक बेटा को माता पिता से कितना प्यार करता है दिखाने की जरूरत नहीं है, है कि नहीं? कुछ महीने पहले एक टैटू गर्ल आई थी जो खेसारी लाल का टैटू बनवा के वायरल होने के लिए आई थी, कहीं आपका भी तो वही नहीं है? देखिए हमारा एक साल हो गया, अगर हमको भी वायरल होना तो हम हो गए रहते, हमको एक साल से ज़्यादा ही हो गया हम टैटू लगवाए हुए जी, कि अभी तो लगवाए नहीं, एक साल से पहले ही लगवाए थे, एक साल से पहले लगवाए थे और अभी जो है हम आपसे बात कर पा रहे हैं जी, तो अभी आपको पता चला हुआ था जी। तो चलिए सिंगर साहब से ही बात करना चाहेंगे, आगे क्या सुनाने वाले हैं? आगे था कि जनता हुई खुशहाल और चमचे सभी मौन हैं, भ्रष्टाचारी सभी मौन हैं, और दुर्योधन ने पूछा ऐसा करने वाला कौन है। ठीक है, तो मंत्री बोले, उसके चमचे बोले कि प्रश्नों से करता वो बड़ा तीखावार है, और चारों खाने चित्त आज पूरी सरकार है। बिहार को बदलने का उसे जुनून सवार है, कोई त्रिपुरारी कहे कोई सना बिहार है, हम सब जिससे परेशान वो मनीष पत्रकार है, मनीष पत्रकार है। ठीक है, इसको तो आपने महाभारत से जोड़ दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन महाभारत से लेकिन दुर्योधन को ध्यान रखना चाहिए, दुर्योधन को ध्यान रहे कि उसको जब कवचधारी कर्ण, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण नहीं बचा सके थे, यानी जो भी अन्याय करेगा उसका अंत होना तय है, तो इस दुर्योधन को भी कोई बचा नहीं पाएगा। आप मनीष कश्यप की कहानी को जो है महाभारत से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल वही है, ही है, बिल्कुल है। आखिर में क्या लगता है कि वो कहानी मनीष कश्यप से जुड़ती है? मनीष कश्यप जी इस रियल हीरो हैं जनता के लिए, क्योंकि गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की आवाज को उठाते हैं वो, और मनीष कश्यप जी को अंदर ले जाना, जेल में डालना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हत्या करना है। जी जी। हमारा जो मौलिक अधिकार है 19A जो हमको मिला है पत्रकारिता का, उसको, यानी कहते हैं कि जो भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी उन्होंने जो समझ लीजिए हत्या कर दी है। और इससे क्या है कि जो बिहारवासी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, और सभी लोग मैदान में या सड़क पे नहीं उतर सकते हैं, लेकिन टाइम आने पर, जो वोट का टाइम आएगा, हर कोई बताएगा। जी क्या लग रहा है, मनीष कश्यप को जेल से रिहा होना चाहिए कि नहीं? एकदम रिहा होना चाहिए, और बहुत जल्द भगवान से दुआ कीजिए लेके बहुत जल्द हम लोग के बीच मनीष कश्यप आए जी, हम लोग के साथ आए, साथ आए। तो अभी देख सकते हैं, एक तो सिंगर है, दूसरा टैटू बॉय है, मनीष कश्यप को सपोर्ट करने के लिए आज बेतिया में आए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या राय है, मनीष कश्यप को बिहार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।